ना, उसका बजट ही था 20,000 करोड़। आज की तारीख में खर्च हुए हैं लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा, लेकिन जिसका जो आउटपुट, जो रिपोर्ट होना चाहिए, जो आउटपुट होनी चाहिए, जो जो सफलता होनी चाहिए, उसके बारे में अगर आप देखोगे तो पिछले ही हफ्ते एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो सबसे बड़े चीफ है, उन्होंने कहा था कि जो होना चाहिए, जो आउटपुट आना चाहिए, वो नहीं हो रहा, क्योंकि लोग, ये एक सरकार का किसी एक एजेंसी का काम नहीं, हमारा सबका काम है, आप सब, और जब तक हम लोग नहीं आते ना, तब तक ये काम होगा ही नहीं दोस्तों। हमने सभी तरह के कायदे कानून बना के रखे, कब, सभी तरह के कायदे कानून आप नहीं जानते, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सख्त ऐसे वाटर एक्ट है, स्ट्रिक्ट है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, यानी पानी का जो प्रदूषण है उसको प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना, प्रतिबंध करना, इसके लिए 1974 से एक्ट है। अगर आप कुछ भी, और कोई भी, अगर आप पोल्यूशन करोगे, कुछ करोगे, तो आपको सभी तरह की कानूनी कार्रवाई होगी, दंड होगा, जेल होगी, सब कुछ है उसमें। लेकिन क्या हो रहा है, हमारे यहाँ हर स्टेट में, हर राज्य में एक स्टेट कंट्रोल बोर्ड, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आपको तो पता है अभी, अब सभी लोग अपने प्रोजेक्ट्स के लिए इसकी परमिशन भी ले रहे हैं, हम लोग महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कर्नाटका, सब कुछ। और ये भी, इनका भी काम है कि ये सभी जो कचरा जा रहा है, डंपिंग हो रहा है, इसके ऊपर ख्याल रखना, देखना इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, ये सब है, पूरी तरह से उनकी बहुत बड़ी व्यवस्था है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। बाद में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो अपने हिसाब से अलग अलग है, कि वो सेंटर में रहते हैं और उसका अलग ही इंडिपेंडेंटली काम बहुत बड़े इसमें चलता है, उनका एक ही फोकस होता है कि कैसे इस प्रदूषण को प्रतिबंध करना। इसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है हमारे पास, यानी राष्ट्रीय हरित लवाद, जो सिर्फ इसको देखता है कि कैसे इस ये प्रदूषण ना बढ़े। तो बनाने के लिए तो हमने हमने इतने कायदे कानून किए हैं, इतने कायदे कानून, अगर आप पेपर पे देखोगे तो ऐसा सकते कि आप थूक भी नहीं सकते जमीन के ऊपर, इतने कायदे कानून इतने हैं कि आप कुछ भी गलत चीज नहीं कर सकते, इतने कायदे, हर चीज के लिए उसके लिए व्यवस्था की है, शिक्षा, दंड किया गया है। जो कचरे की बात करें तो कचरे का कायदा भी 2010 से एकदम स्ट्रांग ऐसा लीगल बना के रखा है, लेकिन दोस्तों क्या वो सही वही सही रास्ता है, क्या ये कायदे कानून से ये व्यवस्था बदल रही है, ये पोल्यूशन कम हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। केस स्टडी में आपको बताता हूं कि एक्चुअली कौन सा सही रास्ता। 1969 में, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, ये सब अमेरिका यूरोप में बहुत बड़ी मात्रा में औद्योगिक क्रांति हुई, बहुत बड़े बड़े कारखाने चल रहे थे, फैक्ट्रियां चल रही थी, और ये सभी फैक्ट्रियां जैसा अभी हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं, पूरा उनका जो वेस्ट का पानी, जो कचरा, तो वो नदियों में डालते थे, नदियां इतनी तरह से प्रदूषित हो रही थी कि नदियों में आग लगती थी, आग, हमने देखा कि कितने पेट्रोकेमिकल के प्रोडक्ट लगते हैं, तो जो आता है फैक्ट्री से बाहर, वो मैक्सिमम उसमें ऑयल होता है और आग लगती है, और कई बार ऐसी आग लगी। तो वैसे ही एक बार 1969 में क्लीवलैंड अमेरिका में जो प्लेस है, वहां कुया होगा नाम की एक नदी है, उसमें आग लगे और वो बहुत भयंकर लगे। प्रशासन ने बहुत कुछ, जो कुछ उनसे बन पड़ा वो उन्होंने किया, जो कुछ होता है कायदे कानून बनाए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उस चीज के बाद एक चीज की शुरुआत हुई, यानी उसकी वो एक चीज थी मूवमेंट, वो एक चीज थी आंदोलन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उस दिन हुई, वो है आंदोलन की शुरुआत, लोगों की शुरुआत, लोगों ने सभी मिलके उस आंदोलन का आंदोलन में भाग लिया, हिस्सा लिया। वहां के जो मेयर थे, जो महापौर थे जिसको हम लोग बोलते हैं, वो मेयर से लेकर सभी जनता आ गई और उन्होंने कहा कि नहीं, अभी सरकार नहीं, हम लोग इसका ख्याल रखें, हम लोग देखेंगे कि कोई गलत काम नहीं कर रहा है, और इस तरह से ऐसा आंदोलन पूरी जगह ऐसा छिड़ गया, स्पेशली उस जगह में। तो आज की तारीख में अगर उस नदी को आप देखोगे तो ये वो नदी है दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। एक बार ये होने के बाद पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में आज की तारीख में नदियां, अगर आपको लगेगा इसलिए साफ है कि वहां सरकारें बहुत सख्त कानून करती है, इसलिए साफ है कि सरकार बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है, तो बिल्कुल नहीं। आज की तारीख में यूरोप में, अमेरिका में, जापान में अगर नदियां साफ है, साफ सुथरा है, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वहां के लोग ये काम कर रहे हैं, वहां के लोगों में वो संस्कृति, वो अवेयरनेस पैदा हो चुकी है कि हम लोग ये गलत काम नहीं करेंगे। और यही एक तरीका है, आप कहीं भी जाइए, हमारे छोटे से गांव गांव कस्बे से लेके आप किसी भी महानगर में जाइए, जब तक
लोग आएंगे नहीं, जब तक लोग काम करेंगे नहीं तब तक ये काम होगा ही नहीं। और यही केस स्टडीज फिर यूरोप, अमेरिका, हर जगह आज की तारीख में। तो राइट सॉल्यूशन भारत के लिए क्या है, कैसे करेंगे ये पानी, ये जो जीवन है, अगर इसका पोल्यूशन कंट्रोल करना है तो क्या करेंगे, क्या सही तरीका है? तो दोस्तों वो सही तरीका है MCL, क्योंकि हमें MCL में हर चीज में हमें एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। यस, मुझे तो हमेशा लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई समस्या है, तो उस समस्या में एक ऐसा बेहतर जबरदस्त सॉल्यूशन है कि जिस सॉल्यूशन को लेके हम लोग बहुत बड़ा काम करते हैं। और इसमें क्या है सॉल्यूशन, तो मैं आपको बताता हूं। अब ये बिल गेट्स है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, आई मीन वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, उसके वो ओनर है, और न जाने कई साल तक वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में रहे हैं। ये आज की तारीख में क्या कर रहे हैं बिल गेट्स, तो ये आज की तारीख में ऐसे रॉ मटेरियल के ऊपर काम कर रहे हैं जिस रॉ मटेरियल से कल विमान चलने वाले, ऐसे रॉ मटेरियल के ऊपर काम कर रहे हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिक खेती होने वाली है, और वो क्या है, टॉयलेट। यानी जो टॉयलेट आज की तारीख में 40,000 MLD इतना भारत में तैयार हो रहा है, ये रॉ मटेरियल है उनके लिए, और उसके ऊपर काम कर रहा है। ये जो पानी है, मैंने कहा कि 99% उसमें पानी होता है, 98-99%, ये पानी पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। अभी इज़राइल ऐसा देश है कि जहां पानी तो पड़ता ही नहीं, पानी है ही नहीं, पूरा सूखा है, उसमें पूरे टॉयलेट के पानी से 90% पानी निकालते हैं। वैसे ही बिल गेट्स साहब ने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें टॉयलेट का पानी डालने के बाद 5 मिनट में इतना शुद्ध होता है कि वो पानी उसको पी सकते हैं, और ये पानी अभी जो पी रहे हैं वो टॉयलेट का पानी है शुद्ध। देखो दुनिया में ऐसे शहर है जैसे दुबई है, सिंगापुर, वहां खराब पानी का एक ड्रेन, एक सादा पाइप भी समुन्द्र में नहीं जाता, एक ड्रेन। 100% पानी के ऊपर प्रक्रिया होती है, 100% पानी पूरी तरह से उपयोग करते हैं। और ये जो अभी बिल गेट्स पी रहे हैं ना, वैसे वहां भी है, न्यू वाटर करके कंसेप्ट है, यानी इस टॉयलेट, इस वेस्ट वाटर से जो भी पानी इस तरह से वो स्वच्छ कर दे कि उसमें कोई भी कंटामिनेंट, कोई भी पोल्यूशन नहीं होता, और आराम से आप उसको पी सकते हैं, और वो पी रहे हैं। दोस्तों ये प्रोजेक्ट आप अगर पढ़ाई करोगे तो आपको पता चलेगा, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, हमारे लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। आज आप सभी लोग हमारे हर तहसील में जो MCL बायोफ्यूल स्टार्टअप्स है, जो आज हम MCL बायोफ्यूल स्टेट उस प्रोजेक्ट्स पे लगे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, और हम प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं, वैसे ही आने वाले दिनों में आप सभी लोग वहां STP पे काम करोगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर काम करोगे। हम सभी लोग, आपके सभी कंपनियां, स्टार्टअप्स, वहां के जो सीवेज के ऊपर प्रक्रिया करने वाले प्रोजेक्ट है, अगर है तो उसको हम लोग बेहतर करेंगे, उसको लेंगे और हम लोग अपने हिसाब से करेंगे, नहीं तो हम लोग अपने प्रोजेक्ट लगाएंगे। क्योंकि सीवेज के ऊपर काम करने वाले प्रोजेक्ट यानी क्या है, तो बायोफ्यूल फैक्ट्रीज है, इससे हम लोग पानी भी रिकवर कर सकते हैं, हम अपनी बायोसीएनजी भी बना सकते हैं, फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं। और ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, ये जो क्रूड ऑयल, हमने देखा कि हर जगह क्रूड ऑयल दुनिया बर्बाद कर रहा है, लेकिन अगर इस क्रूड ऑयल को हम बायोफिल में बायोफिल से रिप्लेस करें हमेशा के, तो ये बायोफिल अगर कहीं गिरा भी तो ना, तो भी ये ऑर्गेनिक है, ये कहीं इसे कोई भी हानि इस सजीव सृष्टि में होती नहीं। दोस्तों लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यही है कि हम लोग 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, आने दीजिए ना कितनी भी बारिश, होने दीजिए कुछ भी, कुछ जो भी कुछ हम लोग डालेंगे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जो अगर 100% ऑर्गेनिक है तो व्यवस्था है, तो ये मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट डालने की जरूरत नहीं, व्यवस्था है नेचर में, प्रकृति में, कि हर चीज को वो रिसाइकल करती है। बचपन में हमने पढ़ा है कि नहीं, पानी का चक्र है, नाइट्रोजन का चक्र है, कार्बन का चक्र है, सभी चीज का चक्र कुदरत ने बना के रखा है, आप उसको हेल्प तो करो। तो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग ये सही सोल्यूशन है, अगर पॉल्यूशन रुकना है तो 100%, अगर आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है तो 100% ये जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट पहले उसको रिप्लेस करो, फिर जाने दीजिए। अगर कागज से कुछ बनाते हो, अगर कागज जा रहा है पानी में, तो कोई आप चिंता करने की जरूरत नहीं। जूट से कुछ बना रहे हैं आप, अगर जूट जा रहा पानी, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। नारियल के जो छिलके हैं, नारियल से अगर कुछ बना रहे हैं और रबर प्लास्टिक को रिप्लेस करो, तो उसकी बिल्कुल चिंता करने की जरूरत, अगर गलती से वो गया भी पानी में, समुद्र के, नदियों में, इधर, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ये पूरे प्रकृति का एक हिस्सा है, वो अपने आप को संभाल लेंगे। बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो एक दूसरे को ये करेंगे, मेंटेन करेंगे, अच्छा रखेंगे। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है ये। आपको क्या लगता है, ये 10,000 मेंबर जो हम लोग बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं, क्यों कराने के लिए बोलते हैं, कि
क्यों बोलते हैं कि आप पहले देश 10,000 लोगों की सेना बनाओ। ये सेना यानी